आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले भव्य रामलला प्राण प्रतिष्ठान समारोह के लिए पूरी दुनिया इस समय राममय नजर आ रही है। बात करें अलीगढ़ की तो अलीगढ़ में गंगा जमुनी तहजीब की एक मिसाल पेश की है अलीगढ़ के चाचा नेहरू मदरसे ने, जहां पर बाकायदा भगवान राम के साथ तमाम जो अन्य देवी देवता उनकी मूर्तियां रखी जाएंगी और बच्चों में भजन कीर्तन कराया जाएगा। पूरी बातचीत, पूरा कार्यक्रम किस तरह रहेगा, मेरे साथ बातचीत करने के लिए जो प्रिंसिपल हैं इस स्कूल के, डॉक्टर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इस मदरसे में चाचा नेहरू में किस तरह की तैयारियाँ आपने की हैं आगामी 22 जनवरी को लेकर? देखिए, हमारा ये मदरसा जो है ये सेकुलरिज्म की सबसे बड़ी मिसाल है और उसकी वजह है कि हमारी जो संस्थापक हैं मोहतरमा सलमा अंसारी साहिबा, वो इसी विचार की हैं कि सब धर्म सर्वधर्म सम्मान की बात करती हैं, हमेशा सबको एक दृष्टि से देखती हैं और वो ये कहती हैं कि हम पहले हिंदुस्तानी हैं, इसके बाद कुछ हो। तो ये जो हमारा एक यहाँ का नारा है कि हम सब भारतीय हैं और हमें भारतीय होने पर गर्व है, और उनका सेकुलरिज्म इसी चीज़ को लेकर हमारे मदरसे में तमाम चीज़ें चलती हैं, तमाम प्रोग्राम चलते हैं, क्योंकि वो गंगा जमनी तहजीब में यकीन रखते हैं, हम सब भी गंगा जमनी तहजीब में यकीन रखते हैं। वह हिंदुस्तान है ही मिक्स कल्चर का नाम, भारतीय संस्कृतियों का एक गुलदस्ता है ये हिंदुस्तान। तो यहाँ इस 22 तारीख के श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कार्यक्रम की तैयारियाँ की जा रही हैं, बच्चे बहुत जोश और खरोश के साथ तैयारी में लगे हुए हैं। और क्या 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 तैयारी की है सर आपने? तैयारियों में हमारे यहाँ गायत्री मंत्र यहाँ होगा, भजन होगा, रामायण की कुछ पंक्तियाँ होंगी और इसके अलावा दूसरी रघुपति राघव राजा राम होगा, और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो हम इस चीज़ को लेकर कर रहे हैं रामायण को लेकर। इसके लिए बच्चों को पहले से तैयारियाँ कराई जा रही हैं? लगभग एक महीने से हमारे बच्चे, जो हमारा विंटर कैंप चल रहा है, क्योंकि वैसे तो स्कूलों की छुट्टियाँ हैं, विंटर कैंप हमारे यहाँ चल रहा है, विंटर कैंप में बच्चे पूरी तैयारियों से लगे हुए हैं और इन तैयारियों में जो बच्चे हमारे हिस्सा ले रहे हैं, भाग ले रहे हैं, उन बच्चों में ज़्यादातर मुस्लिम बच्चे, मुस्लिम नॉन मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम का यहाँ कोई सवाल कभी न रहा है न रहेगा, हमारे बच्चे तैयारियाँ पूरी तरीके से कर रहे हैं। कभी इस चीज़ को लेके सर कभी आपको विरोध झेलना पड़ा हो, किस इस तरह चीज़ें रही हों? हाँ, ऐसा हुआ है, ऐसा अक्सर हुआ, और हमारे जो संस्थापक हैं उन्हें तो बारह विरोध का सामना करना पड़ा, उन्हें कई बार और आज तक विरोध का सामना करती हैं, लेकिन वो इन चीज़ों को कभी तस्लीम नहीं कर सकती। जैसे और लोग कहते हैं, वो कहती हैं कि नहीं, हमारे यहाँ कोई धर्म की मज़हब की बात ही नहीं है, हमारे यहाँ 2000 के आसपास बच्चे पढ़ते हैं, उनमें हिंदू मुस्लिम सब बच्चे हैं, यहाँ किसी तरीके का कोई सवाल कभी नहीं होता। वो कहती हैं सेकुलर हैं तो सेकुलर हैं, हमारे यहाँ तो मोहतरमा सलमान अंसारी साहिबा ने रामायण का स्टेज तक कराता है, ड्रामा कराती हैं। ये कितने बजे प्रोग्राम शुरू होगा और कब तक चलेगा? ये प्रोग्राम हमारा 10:15 तक असेंबली ख़त्म हो जाती है, उसके बाद 10:30 से प्रोग्राम शुरू होगा। अब वो कितना लंबा चले ये तो बच्चों की दिलचस्पी पे है, बच्चों ने जो कार्यक्रम तैयार किए हैं, 5-7 आइटम जो भी हैं, तो उसमें जितना भी वक्त लगे। देखिए, ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए स्कूल के प्राचार्य डॉक्टर मोहम्मद इलियास। उन्होंने विस्तार से बताया कि आगामी 22 जनवरी को रामलला प्राण प्रतिष्ठा के दौरान क्या क्या तैयारियां हैं। अभी सर कुछ और कहना चाह रहे हैं, कुछ बातचीत करना चाह रहे हैं? देखिए, हमारा जो यहाँ का मोटिव है या जो हमारा उद्देश्य है, मैं उसे अपने, चूँकि मैं शायर भी हूँ, इसलिए 4 पंक्तियों में रखूँगा कि हमारे जो संस्थापक हैं उनका और हम लोगों का उनके साथ क्या विचार है, हम लोग किस विचारधारा के लोग हैं। मैं 4 पंक्तियाँ कहूँगा जी, बिल्कुल अपने, कि शीशे दिल में किसी के न कोई बाल रहे, अपनी तहजीब हमेशा से है गंगा जमनी, अपनी तहजीब हमेशा से है गंगा जमनी, शीशे दिल में किसी के न कोई बाल रहे, शीशे दिल में किसी के न कोई बाल रहे, अपने आईन को हर हाल में तस्लीम करें, हम भी खुशहाल रहें देश भी खुशहाल रहे। बिल्कुल, बहुत सही कहा, क्योंकि जब गंगा जमुनी तहजीब होगी, सर्व धर्म संभाव का भाव होगा, तो कहीं ना कहीं देश और उसके जो लोग हैं वो हमेशा खुशहाल रहेंगे। मैं प्रदीप पुंडीर, इंडिया न्यूज़, अलीगढ़।